रूहानी वाले चैनल के मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे पत्थरों के बारे में इंतहाई मुफीद मालूमात, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से पत्थर को किस मकसद के लिए पहना जा सकता है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर मिम वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युम्किनस्सना कमा काना हक्कहू बादज खुदा बुजुर्गे तुई किस्सा मुख्तसर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ताज मोहम्मद, रूहानी मौला चैनल में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आप जानेंगे पत्थरों की खासियत के मुतल्लिक बहुत ही मुख्तसर सी और जामिया मालूमात कि आप अपने मकासद की तकमील के लिए कौन से पत्थरों को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकीक पत्थर की। अकीक पत्थर की बेशुमार खूबियां हैं, लेकिन आज मैं आपको अकीक पत्थर पहनने की एक ऐसी खूबी बताऊंगा जिससे आप पहले लाइलम होंगे। वो ये कि अकीक पत्थर पहनने से दिमाग को बे इंतहा ताकत मिलती है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, घर में चीज रखी कहीं जाती है और ढूंढी कहीं और जा रही हो, या ऐसे तालब इलम जिनको सबक याद नहीं रहता, याद किया हुआ सबक भूल जाता है, ऐसे ख्वातीनों हजरात और तालब इलम अगर अकीक पत्थर को पहन लें तो बहुत हद तक ऐसे लोगों की याददाश्त बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी दिमागी मशक के बेहतर हो जाती है। तो इसलिए नाजरीन, मेरा आपको मशवरा है कि अकीक पत्थर को जरूर पहने, असली वाला और आला क्वालिटी का। अब बात करते हैं जुबरजद की। जुबरजद एक ऐसा पत्थर है जो अपने पहनने वाले को बहादुर बेखौफ बना देता है। ऐसे अफराद जिनके दिलो दिमाग पर एक अनजाना खौफ तारी रहता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग या तालब इलम जिनको लोगों की मौजूदगी में बात करते हुए घबराहट महसूस होती हो, या जो लोग तकरीर करते हुए या नई जगह जाकर घबराहट का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे अफराद को जबरजद पत्थर जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि इस पत्थर को पहनने से इंसान के अंदर इंतहा दर्जा की खुद एतमादी आ जाती है। दिलो दिमाग पर छाए हुए अनजाने खौफ से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपनी इन कमजोरियों को दूर करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि जबरजद पत्थर को जरूर पहने, ये आपको बहुत फायदा देगा। अब बारी आती है इंतहाई खूबसूरत पत्थर यकूत की। यकूत पत्थर आपकी जिंदगी में जहां मालो दौलत लाने का सबब बनता है, वहीं इस पत्थर को पहनने से लोग आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, आपसे मुतासर होते हैं। सादा अल्फाज में कहा जाए तो ऐसे लोग जिनकी ना तो घर में कोई इज्जत करता हो और ना ही बाहर के लोग मुंह लगाते हो, तो ऐसे लोगों को यकूत पत्थर जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यकूत पत्थर को पहनने से ऐसे लोग हर दिल अजीज बन जाते हैं, लोग इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, यकूत पत्थर पहनने वाले की बात को अहमियत दी जाने लगती है। इसके अलावा जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना हो तो यकूत पत्थर को पहनने से आपके अंदर से इंटरव्यू का खौफ खत्म होकर खुद एतमादी आ जाती है, जिसकी वजह से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप यकूत पत्थर पहनेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, तो कितना अच्छा महसूस करेंगे आप। तो इसलिए यकूत पत्थर को पहनकर ये खूबियां आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, तो यकूत पत्थर भी जरूर पहनिएगा। तो नाजरीन, ये थी मुख्तसर सी मालूमात जिस पर अमल करके आप बहुत सा फायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस बात का भी डर लगता है, क्योंकि फिर लोग वीडियो को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाकी पत्थरों के मुतल्लक मालूमात आपको आइंदा की वीडियो में मिलेगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, ताकि आइंदा की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, यकीन करें यह वीडियो आप लोगों के फायदे और बेहतरी के लिए बनाई गई है, लिहाजा वीडियो में बताई गई मालूमात से
खुद भी फायदा उठाए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से दूसरे लोगों का फायदा हो जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद रहनुमाई के लिए कमेंट्स करें या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।